हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 23 तारीख है और 25 तारीख के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अपनी ओपिनियन लेके आया हूँ कि 25 तारीख को कैसा रहेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी। 22 तारीख को जो निफ्टी क्लोज हुआ है 10,791 पे हुआ है और 1.80 पॉइंट के साथ जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे लगभग क्लोज हुआ है। एडवांसेस 33 हैं और डिक्लाइन 17 है, थोड़ा सा स्ट्रांगनेस दिखा रहा है निफ्टी। IOC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, JSW, BPCL और वेदांता जो बढ़ के बंद हुए हैं, और जो गिर के बंद हुए हैं कोटक, गेल, रिलायंस, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस, ये गिर के बंद हुए हैं। अगर मैं FIDI की एक्टिविटी दिखाऊं तो FI ने 6,311 करोड़ की बाइंग की है, ह्यूज बाइंग है, और DI ने भी 838 करोड़ की बाइंग की है, ये भी एक ह्यूज बाइंग है, अच्छी खासी बाइंग हुई है, लौटी है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल कहीं ना कहीं निफ्टी की ओर देता है। अगर मैं यहाँ पे बैंड में रहने वाले शेयर की बात करूँ तो 25 तारीख को जो शेयर बैंड रहेंगे वो है अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, इलाहाबाद बैंक, IDBI, जेट एयरवेज, PC ज्वेलर्स और आर पावर, ये सब बैंड में रहेंगे। और अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ कि क्या कैसा रहेगा, आपका इंडेक्स कैसा रहा, तो आप देखेंगे कि सारे इंडेक्स लगभग थोड़ा 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 गेन ही बंद हुआ, विक्स निगेटिव हुआ है तो थोड़ा पॉजिटिवनेस आया है, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये इंडेक्स में सभी गेन रहा है, लेकिन हम देखें सबसे ज़्यादा गेन अगर रहा है इन इंडेक्स में देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 50 अच्छा खासा गेन 1.36% के साथ है। और अगर यहाँ देखें निफ्टी बैंक के देखें तो निगेटिव एक दिखा रहा है, और फाइनेंशियल सर्विस थोड़ा 0.59 से निगेटिव दिखा रहा है, प्राइवेट बैंक निगेटिव दिखा रहा है, बाकी यहाँ पर भी सारे सेक्टर अच्छा काम किए हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा काम जो किया है वो आपको मेटल सेक्टर में दिखेगा 1.65% के साथ, और निफ्टी रियल्टी दिखेगी 1.5% के साथ, ये दोनों अच्छा खासा काम करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है तो निफ्टी 50 ओपन होता है 10,782 पे, हाई बनाता है 801 का, और जो लो है 10,758 का, प्रीवियस क्लोज था इसका 10,779 और 2 पॉइंट ऊपर 791 पे जाके क्लोज होता है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, लेकिन एक छोटा सा आपको अपसाइड लेते हुए दिखाता है यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसलिए बैंक निफ्टी में सिर्फ निफ्टी में 50 में सिर्फ आपको 1.80 पॉइंट का गेन होता दिखता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी पे देखेंगे ओपन जो हुआ है वो 26,960 पे होता है, 26,997 का हाई लगाता है, 27,000 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लो चला जाता है 26,847 का, और कल जो प्रीवियस क्लोज था 27,052 उसके नीचे जाता है और उसी के नीचे लो के ही आसपास क्लोजिंग भी दे देता है, तो बैंक निफ्टी में आपको वीकनेस दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें एक बार तो यहाँ पे एडवांस 7 है, डिक्लाइन 4 है, एडवांसेस के अनुसार तो स्ट्रांगनेस है लेकिन डिक्लाइन में ज़्यादा है। कोटक बैंक ने 50 पॉइंट तोड़ा, HDFC बैंक ने 24 पॉइंट तोड़ा, इंडसलैंड ने 7 पॉइंट तोड़ा और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 0.10 के साथ, लेकिन यस बैंक वहाँ लीड करते हुए दिखता है और 221 का क्लोजिंग देता है 6 पॉइंट के साथ। IDFC बैंक, SBI भी अच्छा दिखता है, एक्सिस बैंक भी 4.80 के साथ अच्छा दिख रहा है, RBL बैंक, PNB और ICICI बैंक ने इसको संभाला है। वहीं निफ्टी की बात 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आपको देखेंगे एडवांसेस 33 से डिक्लाइन 17 है, और जो निफ्टी में अच्छा किया है IOC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, JSW, BPCL, वेदांता, ये सब अच्छे खासे काम किए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आइशर मोटर ने भी 212 पॉइंट का गेन दिया है, और जो लो है कोटक, सबसे ज़्यादा लो है कोटक बैंक, गेल, रिलायंस 12.15 पॉइंट से निगेटिव है, HDFC बैंक 24 पॉइंट से निगेटिव, बजाज फाइनेंस 22 पॉइंट से निगेटिव, तो ये सब थोड़ा सा लूज होकर के बंद हुए हैं। अब चले अगर हम एक बार इसके चार्ट पे चले निफ्टी 50 के तो क्या दिख रहा है, तो निफ्टी 50 में एक चीज़ देख रहा है निफ्टी 50 में कि यहाँ में एक हैमर का पोजिशन दिया हुआ है और ऊपर की ओर जाते हुए दिखता है। और अगर मैं इसके वीकली पोजीशन को दिखाऊं तो वीकली पोजीशन में भी एक अच्छा खासा पोजीशन दिखाता है, ये देखिए एक अच्छा खासा हैमर पैटर्न दिखता है, तो यहाँ स्टे था, अब यहाँ से एक हैमर मारने को तैयार है, तो ऐसा दिखता है ये जिस और भी जाएगा अच्छा खासा लेगा, लेकिन चांसेस है इस बार निफ्टी में थोड़ा आप 10,900 तक की चांसेस है इसको यहाँ तक के लेवल को लेके जा सकता है 935, तो ऊपर की ओर निफ्टी में एक चांसेस है, बट वॉच करें ये जिस और भी जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे भी तोड़ सकता है, लेकिन 10,700 तक ही जाएगा, तो 10,700 से 10,900 के रेंज में निफ्टी आपको नेक्स्ट वीक देखते हुए मिल सकता है। अगर डेरिवेटिव में पोजीशन की बात करें तो हमने 28 फरवरी के पोजीशन, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो 28 फरवरी को देखते हैं,
10791 पे क्लोज हुआ 22 फरवरी को, 28 फरवरी की क्लोजिंग देख रहे हैं। ये पुट है, ये कॉल है। तो 10800 अगर इन द मनी देखें हम, तो यहाँ पे 1,74,000 का एडिशन हो रहा, शॉर्ट हो रहा है, और पुट की ओर 2,74,000 का सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे भी शॉर्ट किया जा रहा है, और 22 लाख का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे 10800 ये से लेकर के 850, 950 सब पे यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, 11,000 पे अनवाइंडिंग हो रही है, और इधर 10600 पे अनवाइंडिंग हो रही है, बट 10750, 700 पे भी अच्छा खासा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 10700 पे 35 लाख का, तो आप 10700 पे एक सपोर्ट मान सकते हैं अच्छा खासा, और ऊपर 10900 तक देखेंगे आप यहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है, और इधर कम वॉल्यूम के साथ 10900 पे भी अनवाइंडिंग हो रही है, वॉल्यूम कम से शॉर्ट है, पोजिशन हो सकता है बना रहे हैं लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे की ओर आपको सब अनवाइंडिंग हो रहा है, और ऊपर भी कोई खास पोजीशन इसकी ओर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है 41 लाख का 11,000 पे है, और 10900 पे 29 लाख का है। तो इसको जो फेस 10800 पे 28 लाख का है, लेकिन 10800 पे चूंकि यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है अच्छा खासा, और हैमर पैटर्न है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऊपर की ओर जाएगा, और अगर ये 10950 तक जाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पे भी 2,14,000 का एडिशन हुआ है, और 11,000 पे आप देखेंगे तो 41 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, जो कि बहुत बड़ा एक रेसिस्टेंस है। तो निफ्टी एक 10700 से 10900 के रेंज में हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। उसी तरह अगर हम जाकर के अगर एक बार हम बैंक निफ्टी देखें, तो बैंक निफ्टी नीचे की ओर दिखा रहा है, अच्छा खासा रेड पैटर्न बनाया हुआ है, और अगर इसको वीकली भी देख लें एक बार, तो थोड़ा सा मिड लेकिन नीचे की ओर स्पाइक बनाता हुआ दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है। और अगर इसको डेरिवेटिव पे भी देखने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी को अगर हम बैंक निफ्टी का 28 फरवरी की क्लोजिंग को देखें, 26,867 का अगर एट द मनी देखें, 26,800 पे देखें, तो यहाँ पे 45,000 से इसको शॉर्ट किया जा रहा है, और इधर यहाँ पे आप देखें अनवाइंडिंग हो रही है सपोर्ट, तो सपोर्ट ये नीचे की ओर जा सकता है, और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में हर लेवल पे इसको शॉर्ट किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा देखेंगे 6,30,000 का 27,000 पे ही है, तो 27,000 अभी इसको क्रॉस करने में बहुत मुश्किल होने वाला, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे 26,700 तक पे ऊपर यहाँ सपोर्ट 26,600 तक पे भी शॉर्ट किया जा रहा है। और यहाँ देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो ऐड हुआ है 26,500 पे, तो 1,01,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड किया गया, 6,52,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो 26,500 से 27,000 के बीच में यहाँ पे भी आपको बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। 26,500 से नीचे जाना थोड़ा टफ है, क्योंकि 6,52,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो निफ्टी में भी जो पोजीशन बन रही है, बैंक निफ्टी में नीचे की ओर बन रही है, और निफ्टी में थोड़ा ऊपर की ओर बन रही है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में 25 तारीख नेक्स्ट वीक के लिए जो पोजीशन है, बैंक निफ्टी में वीकनेस देखने को मिल रहा है, और निफ्टी में स्ट्रांगनेस देखने को मिलता है, जस्ट अपोजिट देखने को मिल रहा है। इसलिए आप देखेंगे बैंक निफ्टी में पुट की ओर आपको बाइंग हो रही है, और यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, और सबसे ज़्यादा बाइंग 26,500 की ओर हो रहा है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आप पुट की ओर देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है नीचे की ओर, बाइंग हो रहा है, और ऊपर की ओर यहाँ निफ्टी में हर जगह पे आपको देखिएगा 2,01,97,000, 1,27,000, 1,29,000, 2,37,000 हर लेवल पे इसको शॉर्ट किया जा रहा है, जो भी वैल्यू है इसकी, इसको जीरो करने की कोशिश है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ये एजुकेशनल कॉल था, और कोई भी पोजिशन मार्केट में मेरे कहने से नहीं बना, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। तो बैंक निफ्टी निगेटिव दिख रहा है, और निफ्टी 50 जो दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।